हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज जो है जन्माष्टमी का पर्व है। इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। बाल गोपाल का रूप बहुत जगह देखने को, बहुत ही सुंदर तरीके से हम देखते हैं इसको। तो दोस्तों, आज इस उपलक्ष में आप सभी को मेरी ओर से बहुत 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 बधाइयाँ भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और आज मैं बातें ही सिर्फ राधा और कृष्ण जी की करूंगी, उन सवालों के बारे में बात करूंगी जो राधा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछे थे। जानते हैं क्या आप इस बारे में? हो सकता है बहुत से लोग जानते हों, हो सकता है कुछ ना जानते हों, लेकिन मुझे ये सवाल बहुत पसंद आए और मैंने सोचा कि आप सभी को इन सवालों के बारे में जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएं और जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। राधा जी ने 5-6 सवाल किए थे श्री कृष्ण से, जो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं एक विनती करती हूँ आपसे, हाथ जोड़ के, कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर करें। और यदि आपको मेरी बातें, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी करें। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद भी देती हूँ। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ राधा जी के सवाल और श्री कृष्ण जी के जवाब। दोस्तों, राधा ने पहला प्रश्न जो किया श्री कृष्ण से, वो किया कि गुस्सा क्या होता है। अब इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि किसी की गलती को, जो कोई भी गलती करे उस गलती की सजा हम खुद को देते हैं तो वो गुस्सा होता है। दूसरा प्रश्न जो राधा जी ने श्री कृष्ण से किया वो था, दोस्त और प्यार में क्या फर्क होता है? तो कृष्ण जी हंसकर बोले, प्यार सोना है और दोस्त हीरा। सोना और हीरा जो है, इनके आभूषण आप लोग सभी जानते हैं। तो प्यार को सोना श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि सोना जो है वो तोड़ मरोड़ कर, फिर से गर्म करके, पिघला करके हम उसका कुछ भी बना सकते हैं, उसको किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हीरे को नहीं कर सकते। इसीलिए श्री कृष्ण ने प्यार को सोने का रूप दिया है और दोस्त को हीरे का, दोस्त को हीरे जैसा बताया है। समझने वाली बात यह है, आप ध्यान से सुनना ये सवाल जवाब दोनों के, बहुत कुछ कहते हैं। तीसरा सवाल जो राधा जी ने किया वो कहा उन्होंने, कृष्ण जी से पूछा उन्होंने कि मैं कहाँ हूं, यानी वो खुद के बारे में पूछती हैं कि मैं कहाँ हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे दिल में हो, सांसों में हो, धड़कन में हो, तन में हो, मन में हो, हर जगह हो। कितना सुंदर जवाब दिया उन्होंने, क्योंकि हम सभी कहीं मंदिर में कहीं पे भी जाते हैं तो राधा और कृष्ण की ही मूर्तियां हम देखते हैं और हमेशा हम यही बोलते हैं, राधे राधे या राधे कृष्ण। कभी रुक्मणी और कृष्ण जी नहीं बोलते, हम राधे कृष्ण बोलते हैं सभी। तो श्री कृष्ण ने राधा को बोला कि तुम मेरे दिल में हो, मेरे जिगर में हो, मेरी सांसों में हो, मेरे धड़कन में हो, मेरे तन में हो, मन में हो, हर जगह हो। अगला सवाल राधा जी ने पूछा, मैं कहां नहीं हूं? देखो, हर जगह तो बता दिया श्री कृष्ण ने,
कि तुम मेरे दिल में हो, धड़कन में हो, सांसों में हो, तन में हो, मन में हो, हर जगह हो। लेकिन राधा ने फिर पूछा कि मैं कहां नहीं हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मेरी किस्मत में नहीं हो। ध्यान से सुनना दोस्तों ये सवाल जवाब। कृष्ण जी ने राधा से कहा कि मेरी किस्मत में नहीं हो। अब अगला सवाल राधा जी ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? प्यार का असली मतलब क्या होता है? अब इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां मतलब ही हो गया, जिस जगह मतलब ही हो गया, यानी जहां पर भी मतलब हो किसी को किसी से, वहां प्यार नहीं होता। अर्थात कि जहां पर मतलब हो वहां प्यार हो ही नहीं सकता, तो उसे हम प्यार नहीं कहते। जहां पर हम किसी से दिखावा करते कि हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए, उससे अपना मतलब पूरा करने के लिए प्यार करते हैं, तो वो प्यार नहीं होगा। अब अगला प्रश्न राधा ने कहा, राधा ने कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे प्रेम किया, लेकिन शादी रुक्मणी से, ऐसा क्यों? अब आप इसका जवाब सुनिए श्री कृष्ण से। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे राधे, शादी में दो लोगों की जरूरत होती है और हम दोनों एक हैं। आपने पहले जो राधा का सवाल था वो भी आपने सुना होगा कि मैं कहाँ हूं, तो वहां पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम मेरे तन में हो, मन में हो, धड़कन में हो, सांसों में हो, दिल में हो, जिगर में हो, मेरे हर जगह में हो, मेरे हर वक्त साथ हो। तो उन्होंने कहा कि शादी तो मैंने रुक्मिणी से इसलिए की क्योंकि तुम और मैं, हम तो एक हैं, जबकि शादी दो लोगों का मिलन होता है। तो सुना दोस्तों आपने राधा जी के सवाल और कृष्ण जी के जवाब। दोस्तों कहने को ये राधे और कृष्ण जी के आपस में सवाल जवाब हैं, लेकिन इनका मतलब अगर आप समझें तो बहुत कुछ छिपा हुआ है इनके अर्थ में। श्री कृष्ण जी ने इन्हीं सवालों के जो उत्तर दिए, बहुत गहराई से उनके अर्थ अगर आप समझेंगे तो हम सब की जिंदगियों में ये चलते हैं, हम सब की जिंदगी में घटते हैं। मेरा यही मतलब था ये वीडियो बनाने का कि हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और हम सब जो हैं, क्या सच में किसी से प्रेम करते हैं या हम सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए प्रेम करते हैं, या हम सच में किसी के साथ हैं, या सिर्फ अपने मतलब के लिए हम दूसरों को अपने साथ रखते हैं, इसमें बहुत सी बातें छिपी हुई हैं। नमस्कार, फिर मिलती हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे, तब तक विदा लेती हूँ।